आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के वैस्कुलर सर्जरी के वरिष्ठ कंसल्टेंट और प्रभारी डॉक्टर कपिल गुप्ता ने कहा कि होम्योपैथिक कराने हेतु क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले कई रोगियों में आर्टेगोनिक्स फिस्टुला एबी फिस्टुला वाले की आवश्यकता होती है, जो उनके रक्त को छानने में अहम भूमिका निभाते हैं। वही रीनल फेलियर से पीड़ित 48 वर्षीय फयाज अहमद के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में तत्काल होमोडायलिसिस की आवश्यकता थी। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। पूरी जांच करने पर पता चला कि एबी फिस्टुला बनाने के लिए मरीज की नसें बहुत खराब थीं। मामला जटिल होने के बावजूद भी टीम ने एक ऐसी फिस्टुला बनाने का फैसला किया जो उसके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को लिए आवश्यक था। ऐसा ही कई रोगियों को आधुनिक वैस्कुलर तकनीकें बचा सकती हैं। उनकी नसों जब बात करते हैं उसमें आर्टरीज होती हैं, आर्टरी जिस तक खून पैरों में आता है या शरीर के जिस भी इसमें पड़ता है उसको आर्टरीज कहते हैं, जिनसे खून वापस आता है उनको वेन्स कहते हैं। तो हम तीन चीज़ को डील करें, खून से नसें, खून की धमनियाँ कह लीजिए, धमनियाँ ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा जिससे हम कंफ्यूज ना हो नसों से लेके। जैसे आपने बताया वो जो बीमारी थी वो उनकी नर्व्स की बीमारी, उसको खोलनी ज़रूरी है ताकि मांसपेशियों को खून की जरूरत पड़े, हार्ट में लोड पड़े और उसी से फिर वो सर्कुलेशन बेहतर। हाथ भी तेज से हिलाएं, हाथ जिस नॉर्मल वॉकिंग करते हैं वैसे ही करें, ऐसे उसका असर तंबाकू ज़्यादा पान मसाला ले रहे हैं, गुटखा ले रहे हैं, वो सबका असर बराबर होता है। ऐसा नहीं हम करें गुटखा ले रहे हैं स्मोकिंग कर रहे तो उसका असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार में होगा तो उसका शरीर में उतना ही नुकसान होगा, इवन पैसिव स्मोकिंग का भी है। बिल्कुल कौन सा पेशेंट था और क्या समस्या पाई गई और क्या समस्या? काशिफ हैं जो कि यंग हैं, 25 साल के हैं। उनको 6 महीने पहले पैरों का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें पैरों का घुटना पूरा टूट गया था, नसों की चोट लग गई थी जिसको फिर हमने ठीक करा। अब वो अपने पैर पे चल सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं, अच्छे से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। अगर इमीडिएट इलाज ना हो तो पैर काटने की संभावना आ जाती है। तो हमारा मकसद है कि आपको हम जानकारी उपलब्ध कराएँ और एक जागरूकता क्रिएट करें कि हम इन बीमारियों को इलाज कर सकते हैं, टाइमली इलाज मिले तो नशे ठीक करें तो हम पैर मरीज को बचा सकते हैं। क्या समस्या पैदा हुई, क्या ऐसा कारण हो, क्या क्या चीज प्रयोग करने से हुई है, ऐसा क्या होता? काशिफ का तो एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, अदरवाइज अक्सर बीमारी की जो नसों की बीमारी आती हैं ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने की वजह से होती हैं, जिनमें स्मोकिंग करने से, डायबिटीज होने से, ब्लड प्रेशर हाई होने से, ज़्यादा चर्बी होने से ये बीमारियों की दिक्कत आती है। और आजकल इन चीज़ों का इलाज संभव है बिना किसी चीरे के, एंजियोप्लास्टी के रास्ते, बलूनी के रास्ते, और अगर नसों का ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। पर हाँ, अगर हम नसों को बीमारियों को टाइमली पता कर लें और मरीज को जानकारी हो तो हम 90% से ज़्यादा मरीजों को हम बचा सकते हैं।